मध्य प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण पर कहा कि संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है और सभी से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की। वहीं डेल्टा प्लस के बढ़ते मामलों पर कहा कि डेल्टा प्लस को लेकर सरकार सतर्क है, इससे निपटने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है। इसके अलावा वैक्सीन की कमी पर कहा कि सरकार वैक्सीन की आपूर्ति कर रही है, कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए वैक्सीनेशन सबसे बड़ा हथियार है। इसके अलावा कांग्रेस को भी आड़े हाथों लेते हुए कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। तथाकथित विपक्ष के नेताओं ने जो विघ्न संतोषी हैं, उन्होंने लगातार वैक्सीन के मामले में अफवाह फैलाई। निश्चित रूप से वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ा हथियार है थर्ड वेव को रोकने का, और यदि हम थर्ड वेव को रोकने की जो प्लानिंग कर रहे हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा हमारा वैक्सीनेशन है, और इसीलिए आप देखेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक आंदोलन के रूप में हमने वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू किया। इस देश